सो हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सो आपका फिर से स्वागत है मेरी न्यू वीडियो में। सो आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हम मेलोडीज़ कैसे क्रिएट करते हैं, मेलोडीज़ कैसे बनाई जाती हैं। अगर आप बिगनर हो तो भी, अगर आप एडवांस हो तो भी, क्या पता आपको ये ट्रिक ना पता हो और बाद में आपके काम भी आएगी। सो ये अभी मेरे पास आप देख सकते हो एम्प्टी पड़ा है मेरे पास, प्लेलिस्ट पैटर्न अरेंजमेंट सब कुछ जो भी मर्जी कह सकते हो, ठीक है। एम्प्टी अभी मैं कुछ भी नहीं बनाया हुआ इस पे। सो पहले तो अगर तो आपने मेलोडी बनानी है, चैनल रैक पे जाओगे, उसके बाद यहाँ से आप अपना यूज़ करो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, मान लो एफएल कीज़ आपने यूज़ किया, ठीक है। यहाँ से चाहो तो आप मेट्रोनोम ऑन करके, तो मतलब आप अगर आपको एडवांस हो, अगर आपको थोड़ी बहुत ही नॉलेज है म्यूज़िक की, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हो। आज हमने बात करनी है कि अगर आपको म्यूज़िक थ्योरी की इतनी नॉलेज नहीं है फिर भी आपने मेलोडी बनानी है तो आप कैसे बना सकते हो। सो पहले हम क्या करेंगे, पहले अगर आप बिगनर हो तो आप पहले एक सैम्पलर लो, पियानो रोल, ठीक है। इसके बाद ओनली वन को करो बंद, यहाँ से ले लो माइनर। आपने कोई भी स्केल बनानी, मान लो ई में ही बनानी, हम ई ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप ड्रैग करोगे 5 नंबर तक, सो ये 5 आ गया है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको ड्रैग किया इतना, अब मैं क्या करूँगा ई 8 पे भी ले लूँगा। अब ये हाई ज़्यादा हो गई तो मैं अब क्या करूँगा इसके, इसको लो पे लेके आऊँगा, लो ऑक्टेव पे। E4 और E5, ठीक है। अब आप अपनी FL कीज़ में जाओ, आपको ये घोस्ट नोट दिख रहे हैं, आप चाहो तो इसमें से भी जाके आप अपनी मेलोडी बना सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने E लिया था तो मैं E पे ही बनाऊँगा। ठीक है, ठीक है। ये मान लो आपकी यहाँ पे मेलोडी, हम ऐसे करते हैं, हम पहले एक कॉर्ड्स वाला भी ले लेते हैं, हम एफएल कीज़ एक और ले लेते हैं, ठीक है, पियानो रोल। अब हम पहले अपनी कॉर्ड्स बना लेते हैं ई की, एक मिनट, तो ये हमारी अब कॉर्ड्स रेडी हैं, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सैम्पलर में जाके इनको चाहे कट कर दो, और अब आप जैसे जैसे आपकी जहाँ जहाँ कॉर्ड्स पड़ी हैं आप वहाँ वहाँ भी अगर अपनी मेलोडी बना लो ना तो भी आपकी मेलोडी बहुत अच्छी बन जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मान लो आपने इसको कोई अलग अलग स्टाइल देना, तो आप ये भी इसका स्टाइल दे सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जैसे मर्ज़ी यूज़ कर सकते हो।
आप चाहो तो पहले जैसे है उसी को सेम आप आगे कॉपी कर सकते हो नोट्स के हिसाब से। सो अब आप ये सुन सकते हो। मान लो आपको ये चीज़ नहीं पसंद आ रही, तो आप क्या कर सकते हो उसके बाद, जो आप अपनी कोड्स है ठीक है, उसको आपने करना है सभी को सिलेक्ट ऑल्ट प्लस की। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना माइनर नेचुरल, कहाँ पर है ये रहा, स्केल हम कर लेते हैं, हमारा ई था ई रख लेते हैं। अब हम एक बारी सुन के देखते हैं। मान लो नहीं पसंद आ रहा तो आप उसको रीसेट कर सकते हो। ये बेसिकली होती है कॉर्ड्स के लिए होती है, ये तो मैंने वैसे ही आपको बता दिया। कॉर्ड्स के लिए ये होती है, मेलेडी जब भी आपने बनानी है आप अपनी कॉर्ड्स बनाओ, कॉर्ड्स के ऊपर ही आप अपनी मेलेडी क्रिएट कर सकते हो, सेम ही जैसे कि आपकी कॉर्ड्स बनी हुई है, जैसे कि आपकी कॉर्ड्स लगी हुई हैं। अब मान लो आपने ये आपकी मेलेडी आपको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, हम इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, ये जो कॉर्ड्स हैं इसको हम करते हैं कॉपी, पहले यहाँ पे पेस्ट भी कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पैटर्न टू यहाँ पे मेलोडी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम सेम अपने सैम्पलर में जाएंगे, चैनल रैक में जाएंगे, यहाँ से जाके हम लेंगे अपना एक मिनट साकुरा। ठीक है, साकुरा लेने के बाद हम इसमें सैम्पलर में अपने उसको कर देंगे पेस्ट, और साकुरा में जाकर हम अपनी मेलोडी क्रिएट करेंगे। इसको एक और यहाँ पे भी इसके पैटर्न को ठीक है लगा देंगे, ताकि हमें पता लगता जाए कॉर्ड्स के साथ हमारी मेलोडी कैसे चल रही है। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ी सी इसको सेट कैसे कर सकते हो, और एक मिनट आपको दिखाता हूँ। इसको आप कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ये तो बस मैंने आपको बेसिकली बताया कि आप मेलोडी कैसे बना सकते हो, अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसे की मर्ज़ी बना सकते हो। ये तो बस मैंने आपको एक क्विक बता सकता हूँ कि मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि ऐसे हमारी मेलोडीज़ बनती हैं FL स्टूडियो के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाकी हम एक चीज़ और इसमें ट्राई कर सकते हैं, जब हमारी यहाँ पर मेलोडी ख़त्म, मेलोडी प्रॉपर हो चुकी है, ठीक है, यहाँ से इसको कर देते हैं कट, प्लस इसके साथ हम अपनी थोड़ी सी बीट रख सकते हैं फॉर एग्जांपल।
ड्रम्स। किक आ गया, स्नेयर। अब हम यहाँ पे अपनी बीट कंप्लीट कर सकते हैं। कैसे? एक मिनट। तो एक बेसिक सी वीडियो आपको मैंने बना के दिखा दी कि आप अपनी मेलोडी कैसे बना सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, स्टे ट्यून्ड।